एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद गाजियाबाद के ब्लॉक मुरादनगर में स्थित बंदीपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। लगभग 1200 की आबादी व 900 वोटरों द्वारा यातेश्वर त्यागी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 190 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 58 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 7 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर, 47 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 15 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है तथा अपनी देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 102 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, संतान घाट की बाउंड्री, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान यातेश्वर त्यागी, ग्राम बंदीपुर। मैंने जो विकास कार्य कराए हैं उसको कम देखते हुए थोड़ी सी डिमांड भारी हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की निकासी की है। और एक पानी की टंकी मिल जाए गाँव के अंदर और एक जूनियर हाई स्कूल बन जाए बच्चों के लिए, ज़्यादा बड़ी डिमांड हमारी। और सब ठीक ठाक हो रहा है। जो विकास कार्य कराए हमने वो इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है, समर सेविल करवाया है, टंकी फिटिंग कराई है और बच्चों को बैठने के लिए बेंच मंगाए हैं, कुर्सी मेज ऐसी ही आंगनबाड़ी में है और किसी पर सही चलता हमारे काम। एक पानी की निकासी के लिए जो छोटे तालाब से गंदे नाले में मिल जाए, जो कि मेन रस्ते में पड़ता है और गांव को बहुत ही बड़ी समस्या है इसकी, पानी की निकासी ना होने पर। धन्यवाद। ठीक है, हमारा ज़्यादा ही है, घर कम है, तब 3500 में क्या कर ले प्रधान एक आदमी, जबकि सारे खर्चे प्रधान ही बढ़ते हैं। कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई नेता लोग आया करते थे उसको उठाता प्रधान, तो मानदेय तो कम से कम बढ़ना ही चाहिए और बाद में थोड़ा बहुत जो कोई हारा चाहिए जीतता पेंशन भी होनी चाहिए।